क्लास 9th नंबर सिस्टम का ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 1 का। और फर्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। तो आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन, मतलब किसी भी रियल लाइन पर ये सब नंबर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका ये है कि आप लोग लोअर क्लास में एयरफो वगैरह में पढ़े होंगे इसको, कि एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रा कर लेते हैं और इसमें ये जगह 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, लेफ्ट राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर जो ग्रेटर नंबर बढ़ते हैं, इधर आपके -1, -2, -3। अब ये तो हो गया शो करती है। अब हमको शो करना है 2 होल 3/2। तो 2 तो 0 से लेकर 1 ये हो गया, ये आपका 2 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। ये बाद में 3/8 है, तो 3/8 का मतलब कि 8 आपका डोमिनेटर है, तो डोमिनेटर 8 है, तो 2 और 3 के बीच में जो स्पेस है इसको हम 8 पार्ट कर देंगे। 8 पार्ट करके, क्योंकि 3/8 है तो इधर से काउंट कर लें 1, 2, 3, तो ये आपका हो गया आप 3। तो इतना पार्ट आपका क्या होगा, 3/8 होगा। तो 2 तो ऑलरेडी है ही है यहाँ पर, 2 होल 3/8 ये आपको P शो करेगा, यानी 2 होल 3/8 जो है आपको P पॉइंट जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह सिमिलरली -1 5/7 को कैसे शो करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो 0 से इधर आएंगे, -1 तो यहाँ तक आ गया, 5/7 है तो -1 से -2 के बीच में कितने हम प्लस हैं, ये जो स्पेस है इसको हम 7 पार्ट करेंगे। तो 7 पार्ट में आप कर दिए तो ये, क्योंकि 5/7 है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हुआ, तो 5 आपका ये पार्ट जो है क्यूब जो पॉइंट आया ये -1 होल 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम किसी भी रियल लाइन पर डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा हमने टिपिकल ले लिया है, लेकिन जो ऐसे भी नंबर -4, -3 है, 8 है, और कैसे शो करेंगे तो कर सकते हैं। बहरहाल ये आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 3/4। अब इनके बीच में 6 रेशनल नंबर आपको शो करना है। तो होने के लिए रेशनल नंबर तो बहुत से होंगे, मतलब काउंटिंग करना चाहे हम नहीं कर पाएंगे कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट बता दिया कि 6 रेशनल नंबर। तो इसका मेथड ये है, कई तरीके हैं निकालने के, लेकिन हम एक मेथड आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकली हमने लिया है स्टार्टिंग में। तो इन दोनों में हम लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। तो ये आपके नंबर छोटा है, ये आपका बड़ा है, ये एक अलग प्रोसेस है कि कैसे हम लोग ये देखते हैं कि कौन छोटा बड़ा है। बहरहाल x इक्वल टू, ये फार्मूला इसमें है कि x इक्वल टू ये जो सबसे छोटा नंबर है वो ले लेते हैं, y इक्वल टू जो दोनों में बड़ा ये ले लेते हैं, और ये डिसीजन ले लेते हैं कि कौन इसमें से लेस है। तो x इज लेस देन y, 6 रेफरल नंबर तो n इक्वल टू 6 इसमें। अब ये आपका एक फार्मूला है d, एक हम निकालते हैं d इक्वल टू y माइनस x अपान n प्लस 1। तो y आपका ये है, x ये है, यानी ये है, वैल्यू फार्मूले में पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते 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 ये हमने ले आया 17/84, ये d हो गया। अब इससे ग्रेटर ही होगा, इससे लेस होगा, इन दोनों इसके बीच ही में है। तो ये नंबर अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो फर्स्ट रेशनल नंबर मिलेगा, फिर इसी में हम इसका 2 टाइम्स करके ऐड करेंगे तो सेकंड मिलेगा। तो ये फार्मूला ये बन गया कि अगर आपको फिर इसमें 6 रेशनल नंबर आपको जब बताना है तो इन दोनों के बीच में क्या कर लेंगे कि x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, ये जो भी x इसमें जो लोवेस्ट नंबर है उसमें ये d हम 1/1 करके d, 2d, 3d, 4d, 5d ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिख लिया पूरा कंप्लीट, ए है ये, एक्स है, ये आपका डी है, फिर ये एक्स है, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लिए डी में, यहाँ रख दिया, फिर ये डी है, ए एक्स है, इसमें हमने आपका 3d का मल्टीप्लाई कर लिया, 3d यानी 3 का इसमें इंटू करके यहाँ रख दिया, एंड सो ऑन ऐसे कर लेंगे। और भाई इसको कैलकुलेशन करके ये हम पूरा लिख लिया टोटल, और उसके बाद इसको लोवेस्ट फार्म में कर लेते हैं। लोवेस्ट फार्म यानी किसी नंबर से अगर डिविजिबल हो जा रहा सब, तो ये हमने डिविजिबल जो हो पाया तो किया गया। जैसे ये नहीं हो पा रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी नहीं हो पा रहा था, ये हो गया। तो ये आपके इन दोनों नंबर जो -2/3 और 3/4 के बिटवीन, ये आपके 6 रेशनल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशनल नंबर। तो ये आपके प्रोसेस हैं किसी भी दो नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं।
और एक मेथड ये है, और भी तरीके हैं, चाहे तो हम जितने चाहे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 100, 200, 300 भी फाइंड कर सकते हैं, तो होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और बताएंगे। बहरहाल ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देख लीजिए। एक्सप्रेस 1.4 बार एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हम लोग इसकी फर्स्ट वीडियो में कहे थे कि जो रेशनल नंबर जो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल है ये, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको हम वो करते क्या है, एक्स ऐसे सपोज कर लेते हैं, ये हम बार का मीनिंग इसका हमने बता दिया था कि क्या होता है, ये बार बार 444 रिपीट कर रहा है। एक्स इक्वल टू ऐसे इसको हम लिख करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और दोनों साइड में, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है, इसलिए 10 से हम वो साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ भी 10x हो गया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ चला आएगा, 14.44 हो गया। अब इस जो स्टेप है नेक्स्ट कि सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद ये सारे नंबर तो 0-0 हो जाएंगे। अब 14 में से 1 गया, क्या आ गया, 13 आ गया, तो 9x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 13/9, इसको फ्रैक्शन में कर लिया। तो कोई भी आपका इस तरह से नंबर फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1/4/9 ये आपका आ गया। और इस तरह से हम लोग कोई भी, मान लीजिए दो दो नंबर आपको रिपीट कर रहा है, तीन तीन नंबर आपको रिपीट कर रहे हैं, वो सब हम लोग 1/1 करके सीखेंगे इसको। और इस पर कुछ हम वर्कशीट आप लोगों को देंगे, ये आप लोग करिएगा और कोशिश कीजिए कि उसको आप घर पर सॉल्व कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।